हेलो क्लास एट, आपकी ये पोएम है ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट। ग्रास ओपर और क्रिकेट के ऊपर है ये। अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स स्टोरी, इनकी क्रिकेट और एंट की स्टोरी हमने पढ़ी है, उसी की तरह ये भी एक कहानी बताती है। दिस इज ए नेचर पोएम, एक प्रकृति की कविता है। इन इट द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपियर एज करेक्टर्स इन ए स्टोरी, इस कहानी के अंदर ग्रास ओपर और क्रिकेट है वो करेक्टर्स के रूप में कहानी में नहीं आते। रादर दे एक्ट एज सिम्बल्स, यद्यपि वो सिम्बल्स प्रतीकात्मक बात करते हैं। ईच सजेस्टिंग, इनकी प्रतीकात्मक रूप से कार्य करते हैं। सजेस्टिंग समथिंग एल्स, हर एक कोई अलग चीज़ बताता है। ठीक है, रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग। और ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, रीड द पोएम, ये कविता पढ़ो और पता लगाओ हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की कविता है वो क्या करती है, कीप्स ऑन थ्रू समर, किस तरीके से बात करती है गर्मियों में एंड विंटर और सर्दियों में, इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, कभी ना ख़त्म होने वाले सॉन्ग से। हु सिंग्स द सॉन्ग, जो कि गीत गाती है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, प्रकृति की जो कविता है वो कभी नहीं मरती। वैन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब सभी पक्षी होते हैं वो गर्म सूर्य की रोशनी से मूर्छित होते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और ठंडे पेड़ों में आराम करते हैं। ए वॉइस विल रन, एक आवाज़ है वो बहती रहती है। फ्रॉम हेज टू हेज, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक। अबाउट द न्यू मोन मीट, नए जो मीट बनते हैं उसके ऊपर। दैट इज़ द ग्रास ओपर्स, ही टेक्स द लीड, ये एक ग्रास ओपर होता है जो कि नेतृत्व करता है। इन समर लग्जरी, गर्मियों में आराम के दिनों में। ही हैज़ नेवर डन, वो कोई काम नहीं करता। विद हिज डिलाइट्स, अपनी खुशी से। फॉर वैन टायर्ड आउट विद फन, जब वो थक जाता है आराम करके, मजाक से थक जाता है। ही रेस्ट ओ एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, तो वो रेस्ट करता है किसी खरपतवार का जो पत्ता होता है उसके नीचे आराम करता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जो धरती की जो कविता है वो कभी नहीं रुकती है। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग वैन द फ्रोस्ट, और एक विंटर के अंदर जब कोहरा होता है। हैज़ रोट ए साइलेंस, जब एक चुप्पी होती है। फ्रॉम द स्टोन देयर्स रिल्स, जब पत्थरों से थोड़ी आवाज़ आती है। द क्रिकेट सॉन्ग, एक क्रिकेट की आवाज़ आती है, क्रिकेट का गाना। इन वार्म्थ इंक्रीजिंग एवर, जब गर्मी होने लगती है, गर्मी बढ़ती है। एंड सीम्स टू वन इज ड्रोसीनेस हाफ लोस्ट, और प्रतीत होता है कि जो इनकी ड्रोसीनेस होता है, उनिंदा सा फील करना, वो ज़्यादातर खो जाता है। द ग्रासोपर्स अमोंग सम ग्रासी हिल्स, और ग्रासोपर है वो कहीं जो घास की पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर है। जोन कीट्स की लिखी हुई आपकी पोएम है।